अमरोहा जिले के हसनपुर नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ सभासद मोर्चा खोलकर सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है, एम साहब के पास आए हुए सभी अपने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर आए थे। पूरे शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उससे अवगत कराने के लिए डीएम साहब को आए थे। हमारे शहर के अंदर हसनपुर नगर पालिका, हमारे शहर के अंदर अभी 6 करोड़ रुपए का काम निकला है। इन 10 सभासदों में किसी के भी वार्ड में 1 रुपए का काम नहीं है। सब हड़दंगरी चल रही है। मतलब अध्यक्ष है हमारी, अध्यक्ष का किसी के पास नंबर भी नहीं है। चेयरमैन पति स्वास्थ्य प्रेरक हैं, वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसी का काम सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई सारी, पूरे 84 करोड़ रुपए का वो टेंडर हुआ था, वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ। हम लोग सभी शिकायत करते करते परेशान है, कोई सुनवाई नहीं थी, इसलिए आज सब हम एक साथ होकर के डीएम साहब के पास में आए। क्या आप सभी सभासद हैं? जी सभी सभासद हैं। तो क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं शहर के अंदर काम है, निर्माण कार्य वो कराए जाएं, जो काम जायज़ है वो काम कराए जाएं, जो नई सड़कें बनी हुई थी उनको दोबारा से उनका टेंडर कर दिया, उनको रोक करके जो काम पुराने हैं, बेकार खराब नालियाँ सड़ी हुई पड़ी हैं, गलियाँ बेकार हो रही हैं, टूट रही हैं, लोग परेशान हैं, वो काम कराए जाएं। नगर पालिका हसनपुर में अभी कुछ निविदाएं निकाली गई हैं और उसमें जो कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि अभी कुछ समय पहले बनी थी और उनको दोबारा बना के 1,00,000 रुपये का उनके द्वारा टेंडर निकाल दिए गए हैं और जो कि गलत है। और नगर के अंदर कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल खस्ता हालत में, उनको बनाया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर हम आज माननीय डीएम साहब से मिले हैं और हमें उम्मीद है कि ये इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। कि करोड़ों रुपए खर्च करके लगाई गई स्ट्रीम लाइट पूरी तरह से ठप पड़ी है। इसी मामले में सभासदों ने डीएम को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है।